दोस्तों, आज मैं जो फ्लावर प्लांट्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ वीडियो, उसके बारे में ऐसे आप लोग जानते होंगे, पर नहीं जानते हो तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स है ये। बहुत ही खूबसूरत कलर, दो तीन कलर में आते हैं इसके, पर मेरे पास अभी रेडी है। देखिए, इसे साल्विया कहते हैं, साल्विया फ्लावर प्लांट्स। आज मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करने वाली हूँ, उसको बताने वाली हूँ कि किस तरह हम इसे ग्रो करेंगे और केयर करेंगे इसका, फ्लावर्स प्लांट्स को, और किस तरह हम ग्रो करेंगे इसके बारे में भी। ये प्लांट्स मैरीगोल्ड की तरह ही, जैसे मैरीगोल्ड गेंदे के फ्लावर्स होते हैं, उसी तरह है ये शादियों वगैरह में भी डेकोरेशन में यूज होता है। पर ये हम ज़मीन पे भी, ग्राउंड पे भी ग्रो करते हैं, पर हम लोग जो जगह नहीं है, जहाँ पे स्पेस नहीं है, उसे आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हो। इसमें दो तीन कलर आता है, मेरे पास रेड कलर का ही है, मैं परचेज करी हूँ गार्डेनर से। इसका सॉइल काफ़ी सूखा, सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए, जैसे ज़्यादा हार्ड ना हो, टाइट ना हो। इसमें जैसे आप 25% सैंड और 25% सॉइल और 15% फर्टिलाइज़र, कोई भी होममेड हो या कोई भी, जैसे काउडंग हो, चाहे ज़्यादा नहीं डालना है, 10 या 15% ही डालना है। और इस, क्योंकि ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता, इसे सैंड वाला ही चीज़ चाहिए। और ये विंटर सीजन में ही ब्लूम करता है, और ये जो मैं बताई, शादियों वगैरह में ज़्यादा यूज होता है ये, जैसे मैरी गोल्ड है, गेंदे है, उसी तरह होता है। जिस तरह गेंदे को ग्रो करते हैं मैरीगोल्ड फ्लावर्स को, उसी तरह इसको भी चाहिए। और धूप काफ़ी चाहिए, धूप कम से कम 5-6 घंटे की धूप अच्छी खासी होनी चाहिए। अभी देखो, धूप सनी सीजन है, विंटर सीजन ख़त्म होने वाला है, तो ये ब्लूमिंग करते रहेगा मार्च अप्रैल तक, अच्छा से ब्लूम करता है ये। गर्मियों में थोड़ी सी इसकी ख़त्म हो जाती है अप्रैल के बाद, तो आप इससे सीड्स से भी ग्रो कर सकते हो और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। सीड्स अगर फ्लावर इसके झड़ जाएंगे, अभी तो मैं ब्लूम कर रहा है इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रही कि सीड्स कैसे निकालते हैं इसका। सीड्स मैं इसी बार परचेज कर रही हूँ, बस केवल नॉलेज है इसलिए बता रही हूँ आपको। इसका सीड्स जब मैं ग्रो करूँगी, सॉरी, सीड्स मैं जब स्टोर करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि किस तरह स्टोर करेंगे, पर अभी हम ब्लूमिंग के बारे में बात करेंगे कि ये किस सीजन में और कितने दिन महीने तक भी चलता है। और पानी देखिए, इसका सबसे अच्छा होना चाहिए पानी, ज़्यादा ऐसे पॉट में लगाइए जिसमें पानी स्टोर ना हो, आराम से निकल जाए, क्योंकि इसे ज़्यादा गीला, नमी ज़्यादा पसंद नहीं है, बस हल्का नमी होना चाहिए, और ज़्यादा पानी से प्लांट्स गल भी सकता है और सड़ भी सकता है, इसीलिए ऐसे पानी डालना चाहिए कि बस वो अपना ले ले और जितना हो और फालतू हो निकल जाए, बस उतना ही पानी डालना है। और दो, ठंड का मौसम है तो 2-3 दिन पे ही भी पानी डालें तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा धूप निकलेगा तो जब मौसम थोड़ी गर्मी आने वाली होगी तब तक ये सही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।